ये बताओ इतने बड़े साइज की घड़ी बना दी आपने। सर ये तो फिर भी 15.5 फीट का है, हम तो अभी 50 फुट का भी घड़ी बना रहे हैं नागालैंड में। ओ तेरी, 50 फुट की घड़ी जी, उसमें जो लोहा लगा वो लगा 12,500 टन। तो आपने बताया कि नागालैंड के अंदर आप बहुत बड़ा एक वो क्लॉक बनाने जा रहे हो, वो बन चुका है या फिर बनाओगे आप? वो 15 दिन में इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे बड़ी इंडिया में जो घड़ी बनाई है अंकल जी ने बनाई है, ये देखिए आप, एक से बढ़कर एक घड़ी है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो क्रिएटिविटी है सारी अंकल जी की, ये देखिए आप। अगर कोई शौकिया बंदा अपने घर के बाहर बहुत बड़ी घड़ी लगवाना चाहता है तो उसकी भी आपके पास बन जाएगी। ये देखो, ये घड़ी लगने के बाद ना इसकी चमक धमक, ये सब GPS से चलती है। अच्छा, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ओके, कोई वाटरप्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी आप बड़ी बड़ी क्लॉक लगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल तहलका प्रैंक में, मैं हूं आपका अपना तहलका भाई। दोस्तों आज आपको आपका भाई दिखाएगा एक ऐसी क्लॉक, एक ऐसी घड़ी जिसका साइज देखकर दंग रह जाओगे आप। इतनी बड़ी क्लॉक, इतना बड़ा साइज घड़ी का आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, जो इस क्लॉक को बनाते हैं, जिनके पास इस क्लॉक बनाने का टैलेंट है, बारीकी से हर एक काम को करते हैं। दोस्तों मैं कह रहा हूँ, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इतनी बड़ी क्लॉक अगर आपको बनवानी हो अपने शोरूम के बाहर या अपने अपने घर के ऊपर या घर के बाहर या कहीं पर भी, उसे बोलेंगे क्लॉक टावर। जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े साइज का आपने आज से पहले नहीं देखा होगा, इतनी बड़ी घड़ी यहाँ बनाई जा रही है। इतनी बड़ी घड़ी मैं आपको बता नहीं सकता, इतना बड़ा उसका साइज है। आपने सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी भी कोई घड़ी होती है, इतना बड़ा कोई क्लॉक टावर होता है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में सबसे बड़ी घड़ी बना चुके हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है इंडिया में, हिंदुस्तान में 12 फुट से ऊपर घड़ी नहीं बनी। उनका दावा है ये कि मेरे से बड़ी घड़ी आज तक कोई बना नहीं पाया, कोई कर नहीं पाया, किसी ने ऐसी कारीगरी नहीं करी। तो अंकल जी से मुलाकात करते हैं जिन्होंने इंडिया में सबसे बड़ी घड़ी बनाई है, एक ऐसी घड़ी जो अंकल जी एक और तैयार कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे वो कहाँ कहाँ पे घड़ियों को बना चुके हैं, कितनी बड़ी घड़ी वो बना चुका है, कितनी महंगी वो घड़ी बना चुकी है, सारी बात करेंगे। ये बताओ इतने बड़े साइज की घड़ी बना दी आपने। सर ये तो फिर भी 15.5 फीट का है, हम तो अभी 50 फुट का भी घड़ी बना रहे हैं नागालैंड में। ओ तेरी, 50 फुट की घड़ी जी, उसमें जो लोहा लगा वो लगा 12,500 टन। ओ तेरी, 12.5 बाई 8 फीट की घड़ी है ये, तो हम CGO कॉम्प्लेक्स दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस का है, उनकी घड़ी लगा रहे हैं। ये कितने फुट की है? ये 15.5 फीट की है, 3x3 के डायल है। 15.5 फुट की घड़ी है, क्या बात है। टावर है ये, टावर है, 3 फुट की घड़ी है, 3 फुट की घड़ी है। ये बताओ मेरे को, आपने बताया कि नागालैंड के अंदर आप बहुत बड़ा एक वो क्लॉक बनाने जा रहे हो, वो बन चुका है या फिर बनाओगे आप? वो 15 दिन में इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से भी निकल जाएगा, 10 दिन में निकल जाएगा जी, हफ्ता लगेगा वहाँ पहुँचने में जी। उसके बाद उसकी बेसमेंट, उसकी फाउंडेशन सब हुई हुई है जी, वहाँ क्रेन में जाएंगे, खड़ी करेंगे दो स्ट्रक्चर के साथ। कितना लोहा लगा उस घड़ी के अंदर? 12,500 टन। 12,500 टन, और उसका घड़ी का साइज कितना बताया आपने? 8x8 फुट की घड़ी। तो ये बताओ मेरे को आप, ये ज्यादातर क्लॉक टावर कहाँ पे लगते हैं, किस जगह लगते हैं और किनको इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है? एक्चुअली क्या है, PWD में भी चाहिए होता है कि जैसे कोई सेंटर चौक हो गया जी, जैसे हमारा पटेल नगर का चौक है जी, वहाँ पे भी लग सकती है जी। एक छोटा सा टावर लगा दिया, वो ब्यूटी बन जाती है। समझ गया। भिवानी में भी एक छोटा टावर बनाया था, वहाँ पे भी लगाई, यही साइज था। कहने का मतलब है हमारे देश में शौक बड़ी चीज है। बिल्कुल, अगर कोई शौकिया बंदा अपने घर के बाहर बहुत बड़ी घड़ी लगवाना चाहता है तो उसकी भी आपके पास बन जाएगी। ये सब GPS से चलती है। अच्छा, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ओके, कोई वाटरप्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्या कुछ इसकी वारंटी होती है? वारंटी हम 5 साल की देते हैं। 5 साल की देते हैं आदमी को, देखो गवर्नमेंट सर्विस में क्या चाहिए होता है, 5 साल की वारंटी। किसी को अपने घर के लिए, कमरे के लिए कोई 7 फुट की घड़ी बनवानी हो, बन जाएगी। कितना टाइम पीरियड लेते हैं आप? सर देखिए, अगर इस टाइम बिजी शेड्यूल चल रहा है जी, तो हम 15 से 20 दिन का टाइम लेते हैं। तो हाईएस्ट आपने इस टाइम पूरे इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया के अंदर कितने बड़े साइज की घड़ी बनाई है? 12 फिट की क्लॉक मैं बना चुका हूँ। 12 फीट की, उसकी फोटो दिखाओगे मेरे को आप? फोटो मैं भेज दूंगा। फोटो भेज देना, मैं मेंशन करूंगा इसमें, जनता देखेगी। बिल्कुल। अच्छा, 12 फीट की आप घड़ी बना चुके हैं जी, इससे बड़ा कोई किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा है या फिर आपका ही इंडिया में रिकॉर्ड है? 12 फुट से ऊपर इंडिया में नहीं लगी अभी, इंडिया से बाहर बहुत लगी। तो दोस्तों मेरे सामने खड़े अंकल जी, इनका नीचे कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा, आपने सुन लिया होगा। अब तक ये दावा कर रहे हैं कि इनसे बड़ी घड़ी आज तक किसी ने बनाई नहीं है। कितने फुट साइज होता है अंकल? 12 फुट। 12 फुट की घड़ी ये बना चुके हैं। नीचे अंकल का कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा, अगर अंकल से आपको घड़ी बनवानी है
बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसा काम करके देंगे, आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जहाँ पर अंकल अभी इस टाइम घड़ी को बना रहे हैं, किस किस तरीके से अंकल ने यहाँ पे क्या क्या लगाया है सब बताएंगे। ये रही वो घड़ी जो अंकल जी तैयार कर रहे हैं, देखो दोस्तों, ये पहले अंकल जी ने ये एक पूरा टावर खड़ा किया। अंकल ये सारा बताओगे किस चीज से खड़ा किया, क्या है ये? एक्चुअली क्या है, MS है। अच्छा, MS की हमने शीट है, इसको मॉडिफाई करके हमने बनाया। ओके, पहले ये पार्ट बनाया 3x4x4 फुट का, ठीक है, फिर हमने ये बनाया, ठीक है, ये वाला तो वो वाला। ओके, ये है 6.5 फुट का, 6.5 फुट का। उसके बाद हमने ऊपर वाला टॉप अलग से बनाया। अच्छा, ठीक है, ये तीन पार्ट में बनी है, तीन पार्ट में बनी है। ये अंकल कितने कितने फुट की घड़ी है ये? 15.5 फिट का है। 15.5 फिट का, अच्छा जी, जबरदस्त। अब ये जो है ये डायल है, ये डायल है, तो इसके ऊपर अब क्या क्या लगेगा? ये इसके पीछे मशीन लगेगी, इसके पीछे मशीन, आगे नीडल्स लग जाएंगी। अच्छा, मशीन लग जाएगी, और ये ऊपर जाके मशीन फिट होगी। ओके, लड़का मेरा फिट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटे में घड़ी फिट हो जाएंगी। अच्छा, फिट हो जाएगी और स्टार्ट भी हो जाएंगी। स्टार्ट भी हो जाएगी, क्या बात है, क्या बात है। तो अंकल इसी की मैं बात कर लेता हूँ, इसको बनाने में पूरा तैयार करने में कितना समय लगा आपको? सर मुझे 1 महीना लगा। 1 महीना लग गया। और मैं अगर कॉस्टिंग की बात करूँ मोटा मोटा रफली, क्या कुछ कॉस्ट बताओगे आप इसकी? देखिए, मैं मान लीजिए कि 5.5 से 7.5 के बीच में बनती है। 5.5 से 7.5 के बीच, मतलब मोटा मोटा 6 लाख के आसपास। हाँ, मान लीजिए 6 लाख के। एक लास्ट सवाल रहेगा अंकल जी मेरा, आपने बताया कि आपने इंडिया की सबसे बड़ी घड़ी बनाई है 12 फुट की। अंकल जी आपने बताया कि इंडिया की सबसे बड़ी घड़ी आपने बनाई है 12 फुट की, उस पर क्या खर्चा आया था? सर वो मुझे डायल बनाने में उसको मेरा खर्चा आया सर 1,25,000 रुपये में डायल। मशीन 1.25 लाख के आसपास होती है। ओ तेरी, ओ तेरी। एक्चुअली क्या, ये क्लॉक ना रिजॉर्ट में भी लगती है, रिजॉर्ट में भी लगती है, होटल में भी लगती है। तो ब्यूटी अपना करना है, आप किसी ने कोई रेस्टोरेंट खोला है जी, जी। उसका हम बैनर भी लगा देंगे जी, यहाँ मार्किंग हो जाएगी उसकी। अच्छा, क्लॉक भी लग जाएगी। क्या बात है दोस्तों, अंकल जी ने बताया कि ये सारी घड़ियां ज्यादातर होटल्स में रिजॉर्ट में बनाई जाती हैं, लगाई जाती हैं। अच्छा, लास्ट अंकल सवाल रह गया, नागालैंड में जो आपने घड़ी बताई है बहुत बड़ी घड़ी लगी है, उसका उस पर क्या कॉस्ट आई है? वो मान के चलेगी 35 से 36 लाख रुपए का खर्चा। 35 लाख की घड़ी बनाई है नागालैंड में आपने, टावर विद क्लॉक। ओ तेरी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो दोस्तों अगर मेरे जो भाई विदेश के साथ 40-45 के पास पड़े। अच्छा, तो दोस्तों जो मेरे भाई आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी महंगी महंगी घड़ियां ये बना चुके हैं 40 से 50 लाख की कीमत की। और दोस्तों मैं आपको अंकल जी का कुछ काम दिखा रहा हूँ, किस किस लेवल पे ये काम कर चुके हैं, ये देखिए आप। सबसे बड़ी इंडिया में जो घड़ी बनाई है अंकल जी ने बनाई है, ये देखिए आप, एक से बढ़कर एक घड़ी है, आपको दिखा रहा हूँ जो क्रिएटिविटी है सारी अंकल जी की, ये देखिए आप। सबसे बड़ी बात स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी आप बड़ी बड़ी क्लॉक लगवा सकते हैं, ये देखिए आप, स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी इतनी बड़ी बड़ी घड़ियां लगवा सकते हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट में लगवा सकते हैं, हॉस्पिटल में लगवा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं वॉच को सारी। ये देखो, ये घड़ी लगने के बाद ना इसकी चमक धमक, जो इसका एक कहते हैं कि जो इसकी एक अलग रोशनी होगी, ये बिल्कुल अलग से शो करेगी, आपको देखना आप बिल्कुल हटके नज़र आएगी। तो दोस्तों पूरे 1 घंटे में ये घड़ी तैयार हो जाएगी, ये देखिए आप। और आपका शुभ नाम? संजय धवन। ठीक है संजय धवन जी, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, नॉर्मल नंबर भी आपका ये जी? ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी भाई को अपने रिजॉर्ट में होटल में घड़ी बनवानी हो और बेस्ट रेट में बनवानी हो, और आप चाहते हो कि आपके होटल में बढ़िया तगड़ी घड़ी बने, हाई लेवल की घड़ी बने और सबसे बड़ी घड़ी बने, और आपका होटल घड़ी के नाम से जाना जाए, घड़ी के नाम से चमक जाए, तो मेरा नाम ले लेना इनके आगे। तहलका भाई के फैन हैं हम, आपको मोटा डिस्काउंट नहीं मिल जाएगा। तो आपके तहलका भाई का इंस्टा फॉलो करके जाना, आपका भाई आपकी बहुत चिंता करता है यार। तहलका मचाता रहूँगा, एक से बढ़कर एक बढ़िया चीज़ दिखाता रहूँगा।